सेजल यादव, सेजल यादव इनके हाथों से ट्रॉफी दी जाएगी। ट्रॉफी दी जा रही है झांझे एब्सोल्यूट सॉल्यूशन एडवोकेट नेहा मेरियत झांझे, नेवर गिवन ट्रॉफी, नेवर गिवन अप ट्रॉफी दी जा रही है। मुंबई हाईकोर्ट में वो एडवोकेट है, शायद फाइनल में आएंगे। फाइनल आने से कहना है ना, बार बार खिलाड़ी भेजे यहाँ पिंपलगरी, राहुल सेठी साहब गेंदबाजी करेंगे। ये राहुल सेठी ऐसे खिलाड़ी है वो ज्यादातर हिंदुस्तान में क्रिकेट नहीं खेलते, साउथ अफ्रीका नाइजीरिया में वो क्रिकेट खेलते हैं, टीएनटी क्लब से वो क्रिकेट खेलते हैं, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन से वहां क्रिकेट खेलते हैं नाइजीरिया में। वो खिलाड़ी है राहुल सेठी, टीम के कप्तान है और पहली गेंदबाजी करने के लिए वो गेंदबाज 2 महीने की छुट्टी पर आए, लेकिन आज अपने टीम के साथ, गांव के टीम के साथ मैदान में उतरे हैं। लेदर बॉल क्रिकेटर है वो, उनके ऊपर मेरी नजर होगी। मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, जब वो मल्टीप्लेक्स में खेलते थे तो आखिरी गेंद पर छक्का, लाजवाब छक्का था लक्ष्मी आरगन के ऊपर फाइनल मुकाबले का, और छक्के के साथ हम फाइनल मुकाबला मल्टीप्लेक्स जीते थे, वो आज भी याद है। बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट, अच्छी गेंद को सम्मान देना बड़े बल्लेबाज की दिशा में, इसी प्रकार का ही शॉट था, अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर गेंद टप्पा खाने के थोड़ी अंदर की तरफ आई, गेंद के लाइन में बल्ला लेके गया, अच्छा फुटवर्क के साथ गेंद को प्लेसमेंट किया बैक टू द बॉलर। कोई भी बल्लेबाज अगर लचार छक्के लगाते हैं तो उनको सोलह उठाकर और संतोष चौहान की तरफ से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, और गणेश झांझे उनके तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसी के बीच अच्छा शॉट अंदर, राइस खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में निकलती गेंद। समीर झांझे, सतीश मोरे, सुमैया गार्डन वहां मुकाबला देख रहे हैं यूट्यूब पर, वहां से फोन आया कि ओम साई क्रिकेट के सभी बल्लेबाजों को हर छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सतीश मोरे और समीर झांझे, बहुत ही अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी है राहुल सेठी द्वारा। समीर झांझे, सतीश मोरे, इनके तरफ से हर छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा सुमैया गार्डन। इसी के बीच राहुल की गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफील्ड जाकर पुल करना चाहते थे लेकिन मिस टाइम शॉट है, गेंद जाती डीप लेवल के क्षेत्र पर। अक्षय को मिले 1 रन, 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन, उनके साथ है जयेश। अक्षय के बल्ले को अगर ठीक ठाक से गेंद न लगेगी तो गेंद सीमा रेखा पार जाएगी। राहुल फुल टॉस हुई, अंदर आइस खेल दिया था, कलर के सारे गेंद को खेला, सिंगल मिला, बाहर है गेंद, अगर ग्राउंड में है तो रन डिक्लेयर नहीं है, तो 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन है बिना कोई नुकसान के साथ। पहला हुआ प्रगति पर है राहुल सेठी द्वारा। पिंपलदरी टीम की पूरी कमान है राहुल सेठी के बल्ले के ऊपर। 10 टीम से वो खेलते हैं साउथ अफ्रीका नाइजीरिया में। बढ़िया शॉट इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद, लेकिन अच्छी फील्डिंग, 1 रन दिया जाएगा जयेश को, 1 रन दिया जाएगा ओम साई भारतगांव को, 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 5 ओम साई के लिए। भारतगांव के सरपंच सोनल जी उतेकर उनके तरफ से लगा 4 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज को 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। संतोष झांझे और संतोष चौहान और सोलह उठेकर उनके तरफ से 1000 रुपए का इनाम, और गणेश झांझे उनके तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तानाजी जादव उनके तरफ से 500 रुपए का इनाम, और हर छक्के के लिए समीर झांझे और सतीश मोरे, सुमेरा गार्डन इनके तरफ से 100 रुपए का इनाम। इनाम लग चुका है, पैसा मैदान में फेंका है, तमाशा आना बाकी है, वो देखना पड़ेगा जयेश और अक्षय के बल्ले से। स्लोर बॉल थी, फुल टॉस थी, गेंद को उठा दिया मिडिल गेंद के ऊपर से खेलने की कोशिश, और इसी के साथ ही आउट।
टी शर्ट पे उनका क्या लिखा है? तुलसीराम मोरे। जयेश पहला विकेट का पतन, 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रशांत कंक, जितने भी छक्के लगेंगे उतने 100-100 रुपए का इनाम दिया जाएगा आनंद झा जी इनकी तरफ से। लेकिन यहाँ जीवन दान दिया, जमीन का दान किया है। प्रशांत कंक को मिले 2 रन, 2 रनों के साथ अपना खाता खोला। स्कोर है जो कि 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जो पिछले मैच के जो इनाम है वो ये इनिंग खत्म होने के बाद दिए जाएंगे। प्रशांत कंक लगातार 4 छक्के लगाए तो 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अमोल लोटे का, अमोल भी सुबह बराबर इनाम लगा रहा है, उसको मालूम है 200 जाएंगे नहीं, निकलने की जरूरत नहीं, 4 छक्के जाएंगे नहीं। एक गेंद थी, गेंद को निकाल दिया गवर के क्षेत्र पर। सुमन ने भी वही किया, संतोष ने भी वही किया, अतानाई यादव ने भी वही किया, गणेश ने भी वही किया। लगातार 4 छक्के तो जाने वाले हैं, लेकिन यह अच्छा काम किया जा रहा है समीर झांजे और सतीश मोरे इनकी तरफ से। हर छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम। तुम 4 मारो या 5 मारो, 5 मारेंगे तो 500 मिलेंगे। सामने चौथे गेंदबाजी दूसरा अक्षय, बहुत ही बढ़िया शॉट, आरसीबी बल्ले से खेला, मिस फील्डिंग, गेंद सी मारेगा पार, चौका। तो इस पहला चौका आता वो अक्षय के बल्ले। डबल फिगर पे जाता है स्कोर, क्लोर है जो कि 12 रन। डीजे थोड़ा ठंडा हुआ है, अक्षय को गर्म करना पड़ेगा डीजे को। ये बैक में जाकर पुल किया, डीजे बच जाएगा, गेम लगा बॉडी के बाहर, डीजे ऑन। दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है जो कि 18, यही अगर औसत पकड़ेंगे तो 27-28 जाएगा स्कोर। भारतीय टीम के लिए ये बड़ा स्कोर नहीं होगा। अगर आपको सम्मानजनक स्कोर करा खेलना होगा तो इसी ओवर पर हमला बोलना होगा, आक्रमण करना होगा। गेंदबाजी करेंगे अमोद, गेंदबाजी करेंगे अमोद, गेंदबाजी करेंगे दीपांग की तरफ से। इंटर अमरी से क्रिकेट टूर्नामेंट में अपना खेल खेलेंगे, लेकिन आज अपने भारतीय टीम के साथ अमोद अच्छे गेंदबाज है, उनके ऊपर आक्रमण करना पसंद के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन एक बल्ले की क्रिकेट खेला जा रहा है, अगर ओम साई को सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ाना होगा तो आक्रमण करना होगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, प्रशांत कंक के लिए अच्छी गेंद थी, गुल्लन के आगे गेंद टप्पा किया था, हल्का सा बाउंस पे था, स्क्वायर कट करना चाहते थे, बल्लर गेंद का कोई संबंध नहीं, सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर है। ओम साई भारत का बनाम भावे के बीच मुकाबला पिंपलदरी के बीच, जो हनुमान पिंपलदरी भावे। ये बढ़िया शॉट अंदर आ इसके अलावा राहुल सेठे गेंद के नीचे है, 1 रन दिया जाएगा। 1 रन के साथ प्रशांत कंक नॉन स्ट्राइक गेंद पर, ट्राई गेंद पर गए नए बल्लेबाज अंकुश, अंकुश जाधव हार्ड हिटर बल्लेबाज है। आज अपना सब कुछ नचार करना होगा अपनी टीम में उमसाई के लिए। 19 रन, उल्टा सी उल्टा दिया, मिस टाइम शॉट, गेयर फील्डर के पास आ रही, इसी साथ अंकुश यादव जाधव आउट।
विकेट के नुकसान पर। तानाजी जादव का ये बरखुरदार है तो उसके ऊपर नजर होगी। एक गेंद तीन गेंद टप्पा खाने कर लिखते हुए थोड़ी बाहर निकली। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन दो तीन विकेट के नुकसान पर। तीसरा ये प्रगति पर है तो थोड़ा निराश है, डगआउट है, मोहला भी निराश है, डगआउट भी निराश है। कोई तालियां नहीं, किसी के चेहरे पर हंसी नहीं, नाराज चेहरे। अगर ये नाराज चेहरे को अगर चेहरे पर हंसी लाना है तो आपको छक्के की चौकों की बरसात करनी होगी, लेकिन इसी के बीच अच्छी गेंदबाजी अमोद द्वारा। भावी पिंपली टीम ने ठान लिया है कि बारहगांव का डगआउट हम नाराज रखेंगे, उनको कोई हंसने का मौका नहीं देंगे। इसी तरह की गेंदबाजी हो रही है अमोद द्वारा। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये बढ़िया गेंदबाजी, क्या गेंदबाजी हो रही है। लाइन टू लाइन से मेंटेन करते हुए एक टीम शिव प्रणा ऊपर जा चुकी है। ओम साई के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। 20 रन है चार विकेट के नुकसान पर तो निश्चित रूप से खतरे की घंटी बजेगी। अमोद अच्छे बल्लेबाज है, राहुल सेट्टी अच्छे बल्लेबाज है। ये फिर से लेकिन ये रन नहीं होगी, ये आउट होगा। 20 रन और इसी के साथ 21 रनों का लक्ष्य रखा है श्री ओम साई भारत गाड़ी पिंपल दरी भावे के सामने। चलो जल्दी जल्दी मैदान में चले तो इसी बीच एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। पिछले मैच का शिव प्रणा के सुजीत झांझे इनके तरफ से इनाम दिया जाएगा। सुशील झांझे, गणेश झांझे 200 रुपए, सुशील झांझे सुशील झांझे के लिए 400 रुपए का इनाम। चार विकेट चार सिक्स 800 रुपए दिया जाएगा सुशील को। सुशील को 800 रुपए का इनाम दिया जाएगा। गणेश झांझे को शिवाजी यादव दीजिए। का डगआउट थोड़ा नाराज होगा, एक सम्मानजनक स्कोर नहीं खड़ा कर पाया। 18 गेंदे 21 रनों की आवश्यकता तो मुकाबले में बहुत तगड़ा भारी है भावी टीम का। भावी टीम की सलामी जोड़ी मैदान में जा चुकी है। राहुल सेठी और उनके साथ है तुलसीराम। 12वां खिलाड़ी भी ऐसा भेजे हुए हैं कोई उसका ध्यान भी नहीं रहता मैदान के अंदर, उसका ध्यान कई और है। अगर यहां राहुल सेठे और तुलसीराम की विकेट अगर जल्दी जल्दी मिली तो मैच में वापसी हो सकती है ओम साई भारत गांव के लिए। लेकिन देखना होगा सचिन चौहान को अच्छी सटीक लाइन की गेंदबाजी करनी होगी। जयेश अच्छे गेंदबाज है, सचिन चौहान अच्छे गेंदबाज है, पवन है, इक्कीस रनों की आवश्यकता। 18 गेंदे 21 रन। इसके बाद का मुकाबला है भोरा और सेल्टली। टॉस के लिए आइए भोरा और सेल्टली, टॉस के लिए आइए भोरा और सेल्टली। भोरा टीम आ चुकी है, सेल्टली टीम टॉस के लिए आइए। सेल्टली आइए, शिव यादव टॉस करके लिए। ओम साई अगर जीतती है तो आनंद झांझे इनके तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पहली गेंद फुल टॉस मिस किया, लेग स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा। डिक्लेयर है यानी व्हाइट बॉल है अतिरिक्त रनों के साथ। विलास राहुल सेठे नाइजीरिया की टी 10 डिक्लेयर। ऋतुजा गायकवाड इनके हाथों से टॉस किया जाएगा। सेकंड राउंड का दूसरा पहले राउंड का पहला मुकाबला ये आखिरी मुकाबला। ऋतुजा गायकवाड इनके हाथों से टॉस किया जाएगा।
ओ बढ़िया गेंदबाजी, उतनी सम्मानजनक स्ट्रोक। सचिन बढ़िया शॉट, खूबसूरत शॉट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार, चौका। भौरव के पक्ष में गया, फील्डिंग लिया, आखिरी मुकाबला पहले राउंड का, लेकिन चलो यहां मुकाबले की तरफ चलते हैं। सुडकू पाटिल अवनी कमाल क्रीड़ा नगरी पर फुल टॉस गेंद, मौका दिया राहुल शेट्टी का विकेट गंवाने का, इसी के साथ राहुल शेट्टी आउट। ₹1000 का इनाम संतोष चौहान इनके तरफ से। संदीप के भाई है, उनको लगा पैसा जाएगा तो सब अपने घर में जाएगा, सामने वापस लेंगे, इसलिए तो उन्होंने पैसा लगाया है ₹1000। बड़ा है तो बड़प्पन दिखाना चाहिए और मैच भी जीतना चाहिए, इसलिए उसने पैसा फेंका है मैदान के अंदर। तमाशा में पैसा फेंकते हुए तो तमाशा दिखता है, लेकिन मैदान के अंदर पैसा फेंकते हुए तो तमाशा दिखता है, लेकिन रनों का तमाशा देखने को मिलता है। नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए राहुल मोरे, एक राहुल सेट आउट है, दूसरे राहुल मोरे आए, तुलसीराम और राहुल सीनियर खिलाड़ी है भाई के, भाई भाई है, शरीर से लगता है कि भाई भाई है। बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से होट, लेकिन फील्ड अच्छी, लेकिन गेंद सीमा रेखा पार। बारह रन एक विकेट के नुकसान पर। राइट हम ओवर द विकेट, ये मौका है, मिस टाइम शॉट है, गेंद के नीचे फील्डर है, लेकिन नो मैन लैंड में गेंद गिरी। एक रन दिया जाएगा, 13 रन अशुभ अंक आ चुका है, क्रिकेट में 13 अंक अशुभ माना जाता है, खतरे की घंटी बज चुकी है बल्लेबाज के लिए। 13 रन एक विकेट के नुकसान पर। स्कोर किया, डबल लिया क्या सिंगल लिया? अभी यह अभी सिंगल है ना, यूट्यूब 14 है या 13 है? एक मिनट, यूट्यूब वहां 2 स्कोरर है, 14 ना 13, ओके तो दोनों तरफ 13 है, तो कुछ डाउट करने का ये नहीं है, 13 है, अशुभ अंक है निश्चित रूप से है, 13 पर विकेट जाता ही जाता है, 90% मैंने देखा कि विकेट जाता है। राइट हम जोर दो विकेट, एक गेंद पे अंदर आई, इसके अलावा लॉन्गर की दिशा में निकलती गेंद, फील्डर गेंद के नीचे मिस फील्डिंग है, गेंद सीमा रेखा पार, चौका है। ये बॉडी लैंग्वेज बता रही है उनसाई की, उन्होंने मैच छोड़ दिया है। स्कोर अगर 35-36 होता तो निश्चित रूप से फाइट कर सकते थे, प्रयास किया जा सकता था मैदान के अंदर, लेकिन पहले ओवर में 13 रन आए थे, एक चक्का एक चौका वाइड डाला, तो पहले ओवर में मुकाबले में अपना बॉल वाला बनाए रखा था भावी टीम ने। ये है मौका है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर, लेकिन नो मैन लैंड में गिरी, डिक्लेयर रन। कितना गया स्कोर?
19 हुआ। जीत के लिए 2 रनों की आवश्यकता होता है। इतनी बड़ी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के बाद ऐसे खराब प्रदर्शन मैदान के अंदर होता तो निश्चित रूप से नाराजी होती है। अपना होम ग्राउंड है डीजे। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये आपकी गलती है। आप प्रैक्टिस करनी चाहिए, ग्राउंड के अंदर आपको उतरना है, मैदान के आगे जाना है, टूर्नामेंट आपको खेलनी है तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। शांत हो चुका है ग्राउंड मैदान के अंदर, ना बच्चे की आवाज आ रहा है ना किसी की आवाज आ रहा है। सन्नाटा छा चुका है मैदान के अंदर। गेंद हाई में है, अक्षय गेंद के नीचे है, क्या ड्रॉप है, बराबरी हो चुकी है। परशुराम कंग को आना की जरूरत नहीं थी, अक्षय नीचे थे, एक रन चाहिए तो अभी उम्मीद है शिव प्रेरणा से कि एक टीम ऊपर जाए, उनके लिए तो तालियां बजने का मौका मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने का मौका मिलेगा सबको। लेकिन इस मैच में एक भी ताली नहीं बजी, रीजन क्या हो सकता है? ये शॉट, ये रीजन है।